गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं एंड थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा ल्यूकॉम वाटर या एफ्रिश कुछ भी लेकर के अपना बैठिएगा एंड देखते हैं फिर आगे क्या कर सकते हैं। अगले 20 से 25 मिनट एक दूसरे के साथ रहेंगे एंड लास्ट में 5 मिनट के लिए मेडिटेशन जरूर करेंगे। चलिए फैंटास्टिक, खड़े हो जाइए फटाफट अपनी अपनी जगह पे। सबसे पहले हल्का फुल्का वार्म अप से स्टार्ट करते हैं, जिससे आपका शरीर थोड़ा थोड़ा करके खुले और वार्म अप करने के लिए आप अपने शरीर को सबसे पहले बिल्कुल रिलैक्सिंग मोड पे और बिल्कुल आरामदायक तरीके से ढीला छोड़िए ताकि उसको अच्छा लगे। एंड जितने भी लोग इस वक्त कॉल पे मौजूद हैं या वीडियो वॉच कर रहे हैं, ट्राई करने का प्रयास करिएगा, कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करिए आप। परफेक्ट, फैंटास्टिक। अपने हाथों को इस तरीके से ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप अपने पैरों को भी इस तरीके से कर सकते हैं ऊपर नीचे हाथ के साथ। परफेक्ट, अपने आप को वार्म अप के लिए हाथ इस तरीके से कर सकते हैं ऊपर एंड नीचे। परफेक्ट परफेक्ट, फिर हाथों को राउंड में घुमाएगा गोल गोल, देन दूसरे दिशा में, फिर ये वाला। फिर दूसरे दिशा में, बहुत अच्छे। आप अपने पैरों को आराम आराम से जितना ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं उतना ऊपर की तरफ लेके, बहुत आराम आराम से। परफेक्ट, बहुत अच्छे। अभी क्या करेंगे, पैरों को थोड़ा पीछे की तरफ वार्म अप की तरह ले जाते हैं इस तरीके से। वाह, वेरी नाइस। थोड़ा सा खड़े होएगा आराम से और इसको हल्का हल्का करिएगा। अभी क्या करें, 10 टाइम्स हम लोग करते हैं। अपना हाथ ऊपर तरफ करिएगा, जितना पीछे जा सकते कंफर्ट के हिसाब से पीछे जाएगा, फिर वापस नीचे की तरफ आएगा। पैर को सीधा रखिएगा और इस हिस्से को फोल्ड करके अपने पैर के अंगूठे को टच करिएगा या पूरे जमीन को उस तरीके से टच करिएगा। राइट, चलिए चलते इस तरीके से जाएंगे पीछे की तरफ। आराम आराम से करिएगा, पूरा 10 से 11 बार काउंट करिएगा।
परफेक्ट, बहुत अच्छे। आपके पास अपना अफ्रेश हो या नॉर्मल लिक्विड वाटर हो, आप उस तरीके से ले सकते हैं गुड। मैं हमेशा बार बार ये कहता हूँ, तो आपको बार बार ये ध्यान देना है कि एक्सरसाइज के दौरान जब भी आप पानी का घूट लें, एक घूट से ज्यादा की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे। अभी क्या करिए, जहां पर भी वहीं पे खड़े रहिएगा, इस तरीके से हाथों करिएगा, पूरे हिस्से को रिलैक्स होकर के जाने दीजिएगा आराम से। गुड, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। आप चाहे तो अपने वार्म अप के दौरान इस तरीके से भी कर सकते हैं, हाथ और पैर दोनों एक साथ। गुड, वेरी नाइस। यहां पर हाथों को इस तरीके से करिएगा थोड़ा सा। देन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अब हम लोग थोड़ा सा तेज करेंगे, थोड़ा सा शेक बनाते इस तरीके से। आप अपने कमर पे भी हाथ को रख सकते हैं। आपके पेट पर खिंचाव आना चाहिए, इतना आपको मूवमेंट करना है। ध्यान उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। गुड, थोड़ी देर के लिए अभी हम लोग रनिंग करेंगे, तो आप सब लोग रनिंग जरूर करिएगा जितना भी आप कर पाते हैं। जैसे हम लोग पार्क में चलते हैं, आराम से चहल करनी करिएगा, फिर इसके बाद स्लोली स्लोली आगे बढ़िएगा। हर थोड़ी थोड़ी देर पे अपने स्पीड को बढ़ाते रहेगा।
एकदम से रुकेगा नहीं, हल्का फुल्का चलते रहिएगा जरूर से। पैरों को एकदम आराम दीजिएगा हल्का हल्का करके। बहुत अच्छा, पैरों को ऊपर की तरफ उठाएगा अपने, इस हिस्से को बिल्कुल सीधा रखिएगा और बैलेंस बनाने का प्रयास करिएगा। कुछ सेकंड तक के लिए होल्ड करिएगा, 4-5-6 सेकंड के लिए, जब तक आप चाहें। सेम उसी तरीके से पीछे तरफ करिएगा, इस हिस्से को सीधा रख के 4-5 सेकंड तक पैर को होल्ड करेगा, बिल्कुल रुकेगा, इस तरीके से रहेगा ये ऐसे। हाँ, फैंटास्टिक। आप चाहे तो एक घूंट पानी ले सकते हैं। तीन चार सेकंड का रेस्ट लेने के बाद अभी हम लोग उठक बैठक करेंगे, जिसको हम डंड बैठक बोलते हैं। पूरा बैठेंगे, है ना, पूरा इस तरीके से बैठना है आपको पैर पे, और इसी तरीके से आपको उठना है। 10 बारी पूरा करेंगे। अगर किसी को घुटने में प्रॉब्लम है या कमर में प्रॉब्लम है तो आप किसी भी चीज़ का सहारा, दीवार का या अपने पैर का या अपने कमर का सहारा लेके भी आप उठक बैठक कर सकते हैं। इससे आपके शरीर का पोस्चर बहुत अच्छा होता है, आप करते रहिएगा, और पोस्चर के साथ साथ आपकी थाई के लिए बहुत बेहतर होता है, और थाई के साथ साथ ऑफकोर्स आपके घुटने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट और पावरफुल होता है। बहुत अच्छे। और ड्यूरिंग द एक्सरसाइज इतना और इस तरीके से करना है कि आपको पसीना अच्छे से हो, ताकि आपका हार्ट खुल के पंप कर सके। हाँ, अभी जहां पर भी है सही पोजीशन में खड़े हुएगा, थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे। ग्रेट। एंड इसके अलावा डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करिए जंपिंग जैक्स का। आप स्टार्ट 30 टाइम से करके 40, 50, 60 तक कर सकते हैं, जितना आपकी कैपेसिटी है और जितना आपके पास टाइम है। सो जंपिंग जैक्स स्टार्ट करते हैं। चलिए, किसी भी एक्सरसाइज के दौरान ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि एकदम से रुकिएगा नहीं, एकदम से बैठिएगा नहीं। अभी हल्का फुल्का दोबारा से बीच में हल्का रिलैक्स पे। वाह,
सो अभी हम लोग पुशअप करेंगे। एंड पुशअप के लिए जिस तरीके से मैं आप लोगों के साथ बात करता हूँ कि अगर आप पूरा कर सकते हैं तो पूरा करिएगा, अदरवाइज आप इस तरीके से हाथ करके अपने आप को घुटने के बल लेकर के भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपको जैसे भी कंफर्ट है स्टार्ट करिए 10 से, और नहीं तो दूसरी तरफ पुशअप कर सकते हैं जिसमें आपका पूरा हिस्सा शरीर इस तरीके से हो। एंड एक बार देख लीजिएगा, इसको इस तरीके से जाके करिएगा। इसमें बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, ऑफकोर्स आपका पेट अंदर होगा और चेस्ट बाहर आएगा, हाथ मजबूत होगा एंड आपके पीठ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बैक के लिए, पूरा शरीर का हिस्सा जबरदस्त तरीके से होगा। ना करने से बेहतर एक से स्टार्ट करिए, 5 तक, फिर 10 तक, फिर 15 तक, फिर 20 तक, फिर आने वाले डे में 30 तक, ये बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, लास्ट में करने के बाद इस तरीके से करिएगा जरूर। कुछ सेकंड्स के लिए परफेक्ट। सो इस तरीके से अगर आप या मैं या कोई भी व्यक्ति एक्सरसाइज करते हैं तो उसका भरपूर बेनिफिट और निचोड़ हम निकाल सकते हैं, जिसमें आपके पूरे फुल बॉडी का वर्कआउट हो जाता है, आपका रनिंग भी हो जाता है। हालांकि आप 15, 20, 25 मिनट से शुरू करके आप आधा घंटा, 45 मिनट और मैक्सिमम एक घंटे तक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके फिटनेस के लिए 20% एक्सरसाइज और 80% न्यूट्रिशन डाइट की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप आधा घंटा से लेकर 45 मिनट तक करते हैं वो मोर देन सफिशियंट है। आप इसमें से जो भी एक्सरसाइज आपको पसंद हो अपनी मर्जी के हिसाब से आप उसको रिपीट पे भी कर सकते हैं, एक बार के अलावा दो बार, तीन बार, चार बार भी। ठीक है, सो अभी जहाँ पर भी हैं वहीं पर बैठने का प्रयास करिएगा। अगले कुछ मिनट के लिए हम मेडिटेशन करेंगे जिसमें अपने आप को थोड़ा वक्त देंगे, अपने दिमाग को थोड़ा शांत करने का प्रयास करेंगे एंड वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द वर्कआउट, ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। चाहे 2 मिनट का समय हो लेकिन आप मेडिटेशन जरूर किया करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मेडिटेशन के लिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आपको नाक से सांस लेना है और मुंह से धीरे धीरे करके छोड़ना है। आप अपनी सांस को जितनी देर के लिए रोक सकते हैं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, वॉट एवर यू वॉन्ट, आप उतने देर तक अपने सांस को अपने अंदर रोकिएगा एंड उसके बाद धीरे धीरे करके छोड़िएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आँखों को बंद रखिएगा। जो भी थॉट्स, जो भी विचार आपके मन में आ रहे होंगे उनको आने दीजिए, जैसे आएंगे वैसे ही वो निकल जाएंगे। सिर्फ आप अपना पूरा का पूरा फोकस अपनी ब्रीथ पे करिएगा और अपने मदद के लिए हमेशा मैं ये ऐसा मेरा मानना है और मैं कहता हूँ कि हम लोग ओम का जाप कर सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं।
इस पूरे प्रक्रिया के अंदर खुद के अंदर झांक के देखिएगा, खुद को पहचानने का प्रयास करिएगा और अपने ब्रेन के साथ बिल्कुल फाइट मत करिएगा। बस इसको अच्छे से अच्छा, अच्छे से अच्छे विचार की तरफ लेके जाइएगा। अपने मन में अच्छे विचारों के बीच में सबसे पहले ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करिए। अपने मेडिटेशन के भाव को और बढ़ाइए। अपने गुरुजनों को शुक्रिया अदा करिए जिनसे कभी भी जीवन में कुछ भी सीखा हो हमने। एंड अपने हेल्थ कोच का शुक्रिया अदा करिए और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने माता पिता का शुक्रिया अदा करिए और अपना ज़रूर करिए कि आप दिन प्रतिदिन कुछ नई चीज़ों को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। आपका दिल और आपका दिमाग आपका साथ दे रहा है। ग्रेट। बहुत धीरे धीरे करके अपनी आंखों को हल्का हल्का करके ओपन करिएगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थोड़ा डिफरेंस को फील करिएगा और फील करने के साथ साथ थोड़ा सा अपने लिए ताली बजाइएगा पूरा इस तरीके से हाथों को लेकर के। ये क्लैपिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 10 सेकेंड 5 सेकेंड 15 सेकेंड कुछ भी कर सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अक्सर ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप वर्कआउट करते हैं एक्सरसाइज करते हैं आपको पसीना खूब भरपूर तरीके से आना चाहिए। आपके कपड़े जो है कि ऑलमोस्ट गीले हो जाने चाहिए। उस एक्सरसाइज का पूरा भरपूर बेनिफिट पूरा भरपूर फायदा आपको मिलता है शानदार तरीके से।